हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं मोबाइल की 5 वोल्ट चार्जर से एक 12 वोल्ट बाइक की बैटरी का चार्ज। सो बिना स्किप किए आप एंड तक देखिए। हे गाइस, मोबाइल चार्जर को 12 वोल्ट बैटरी चार्जर बनाने के लिए हमें चाहिए एक डीसी एडजस्टेबल बूस्ट मॉड्यूल। इसे हम 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट यानी लो वोल्टेज को मैक्सिमम 28 वोल्टेज तक बढ़ा सकते हैं। इस मॉड्यूल को आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पर जो स्क्रू है इससे हम वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 2 क्रोकोडाइल पिन। रेड को हम यूज़ करेंगे पॉजिटिव आउटपुट के लिए एंड ब्लैक को हम यूज़ करेंगे नेगेटिव आउटपुट के लिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है आउट प्लस एंड आउट माइनस, दैट मीन आउटपुट पॉजिटिव एंड आउटपुट नेगेटिव। सो रेड वायर को हम आउटपुट पॉजिटिव के साथ सोल्डर करेंगे एंड ब्लैक वायर को हम आउटपुट नेगेटिव के साथ सोल्डर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है एक पुराना बैटरी जिसका वोल्टेज हम चेक करेंगे। इसको वोल्टेज 11.9 आ रहा है और यहाँ पर लिखा है रिचार्ज इफ़ ओपन सर्किट वोल्टेज इज़ लेस देन 12.4 वोल्ट। अगर 12.4 वोल्ट से कम हो जाता है वोल्टेज तो आपका बैटरी चार्ज करना है। इसके लिए हम 5 वोल्ट का जो मोबाइल चार्जर है उसको यूज़ करेंगे। उसका जो USB पिन है हम इस मॉड्यूल के USB पोर्ट के साथ अटैच कर देंगे। अब हम स्विच ऑन करके देखेंगे इसका आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है। सो अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज आ रहा है 16.58, लेकिन हमें बैटरी को चार्ज करने के लिए मैक्सिमम 14 वोल्ट चाहिए। इसके लिए हम स्क्रू को ढीला करके इस वोल्टेज को हम कम कर लेंगे। सो यहाँ पर जो स्क्रू था, स्क्रू को हम एक पिन के मदद से इसको लूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिन के मदद से हम स्क्रू को अगर लूज़ करेंगे तो आप देखेंगे वोल्टेज कम हो रहा है। यहाँ पर मैं इस पिन के मदद से स्क्रू को लूज़ कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं वोल्टेज 16.58 से कम हो रहा है, अभी 16.3 हो गया है, 15.6 हो गया है। इस तरह से हम इसको घुमा के हमारा जो 14 वोल्ट है उस तक ले आएंगे। अब हम देख सकते हैं हमारा जो वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज है वो 14 तक आ गया है। 12.4 वोल्ट लाने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज देना चाहिए, इसलिए हम 14 वोल्टेज तक ले रहे हैं। अब हम रेड क्रोकोडाइल पिन को बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे एंड ब्लैक क्रोकोडाइल पिन को बैटरी का जो नेगेटिव पॉइंट है, जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करके उसके बाद हम स्विच ऑन करके इसको 8 से 10 आवर तक चार्ज होने देंगे। इसे चार्ज होते 10 घंटे लग जाता है क्योंकि हम मोबाइल चार्जर से इसे चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल चार्जर का वोल्टेज है 5 वोल्ट एंड एम्पियर है 2 एम्पियर और इस मॉड्यूल से मैक्सिमम 2 एम्पियर आउटपुट करंट आता है। इसे हम 10 घंटे रख देंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे इसका वोल्टेज। अभी 10 घंटा हो चुका है, अब मैं फिर से इस बैटरी का वोल्टेज चेक करूंगा। अब देख सकते हैं अभी वोल्टेज शो कर रहा है 13.32, यानी हमारा जो बैटरी था वो चार्ज हो चुका है। हे गाइस, अगर इस वीडियो को अच्छा लगता है सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल की घंटी बजा दीजिए हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक लिए बाय।